हेलो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कॉफिशेंट में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे व्हेन क्यू इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर ए एक्स इंटू फाइव एक्स मतलब किसी फंक्शन एक्स के फंक्शन के साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है अभी तक के जितने भी हमने पर्टिकुलर इंट्रीगल सॉल्व करना सीखे हैं उसमें सिंगल एक्स का फंक्शन था लेकिन अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं

और जो एक्स का कोफिशेंट है उसको डिनोमिनेटर में डी के फंक्शन में डी की जगह डी प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे ए क्या है यहाँ पर कॉफिशियंट ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स यानी फाइव एक्स नाओ द वैल्यू ऑफ वन अपॉन एफ डी प्लस ए इंटू फाइव एक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द मैथड्स डिस्कस्ड अर्लियर और हमने अभी तक जितने भी मैथड पढ़े हैं अभी ये फाइव एक्स उनमें से जो भी फंक्शन होगा उस उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे ये अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा न फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स टू दावर थ्री ई रेस्ट टू द पावर टू एक्स तो सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करना होता है जिसके लिए हम क्यू को जीरो के इक्वल कंसीडर करते हैं और ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बनेगी गिवन इक्वेशन की एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है अब इस एम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करें तो एम माइनस टू का होल स्क्वायर है ये एम के हमारे पास दो रूट्स आएंगे एम इज इक्वल टू 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 दोनों रूट रियल और इक्वल हैं रियल भी हैं और इक्वल भी हैं सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा इसका सी वन प्लस सी टू एक्स प्रैकेट में इंटू ई रेस्ट टू दावर टू एक्स अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करेंगे हम तो वन अपॉन एफ डी एफ डी हमारा है डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर जिसको हम डी माइनस टू होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं x टू पावर थ्री ई रेस्ट टू द पावर टू एक्स अब हम इसमें हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पहले लिखेंगे x का कॉफिशेंट यहाँ पर कितना है टू तो हम इस d को d प्लस टू से रिप्लेस कर देंगे अब इस d को हमने d प्लस टू से रिप्लेस कर दिया ये माइनस टू एज इट इज आ गया होल स्क्वायर एक्स टू दी पावर थ्री अब ये टू से टू कैंसिल हो गया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में केवल डी स्क्वायर बचेगा सो ई रेस टू दी पावर टू एक्स वन अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स टू दी पावर थ्री अब ये इंट्रीगल ऑपरेटर बन रहा है यानी डी स्क्वायर दैट मीन्स कि हमें इसका एक्स क्यूब का दो बार इंटीग्रेशन करना है तो हमने एक बार इंटीग्रेशन किया तो एक्स टू दावर फोर अप ऑन फोर आया वन अपॉन डी बाहर रहेगा इसका मतलब अभी हमें एक बार और इंटीग्रेशन करना है तो एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव इंटू फोर ट्वेंटी सो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा ई रेस्ट टू द पावर टू एक्स इंटू एक्स टू द पावर फाइव अपॉन ट्वेंटी तो कब इसका जनरल सोल्यूशन क्या बनेगा वाई इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेस्ट टू द पावर टू एक्स प्लस पी आई हमारा आया था ई रेस्ट टू दावर टू एक्स इंटू एक्स टू दावर फाइव अपॉन ट्वेंटी दिस इज द सॉल्व डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फाइव इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर टू एक्स साइन एक्स अब यहां पर हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में क्या गिवन है साइन एक्स गिवन है ठीक है तो सबसे पहले हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो ये एम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसको धराचार से सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास रूट आएगा एम का वन प्लस माइनस टू आइवटा अब ये जो रूट आया ये क्या आ रहा है कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है अब इसको कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स uh, रूट को हम कैसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो रियल पार्ट है वो ई दी पावर में आ जाएगा फिर ब्रैकेट में सी वन कॉस इमेजनरी पार्ट टू आयोटा यानी टू को हमें काम में लेना है टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स ओके दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब हम पर्टिकुलर इंट्रीगल सॉल्व करेंगे ना पर्टिकुलर इंट्रीगल हमारा हो जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस फाइव फंक्शन ऑफ डी हो गया इंटू ई रेस्ट टू द पावर एक्स साइन एक्स अब ई रेस्ट टू द पावर एक्स को हम पहले लिखेंगे और एक्स का कॉफिशेंट यहाँ वन है तो हम इस डी को डी प्लस वन से रिप्लेस कर दें तो ये डी प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू डी प्लस वन प्लस फाइव साइन एक्स तो हम जहाँ जहाँ डी है वहाँ हमने डी प्लस वन लिख दिया अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन माइनस ये टू इससे मल्टीप्लाई होगा तो टू डी माइनस टू प्लस फाइव इंटू साइन एक्स अब टू डी से टू डी कैंसिल हो गया वन प्लस फाइव सिक्स माइनस टू फोर बचेगा तो डी स्क्वायर प्लस फोर बचा इंटू साइन एक्स अब साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं जो एक्स का कॉफिशियंट है डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं अब यहाँ एक्स का कॉफिशेंट वन है तो हम डी स्क्वायर को माइनस वन से रिप्लेस करेंगे सो माइनस वन प्लस फोर इंटू साइन एक्स तो ये एक कितना बचेगा थ्री तो हमारे पास पर्टिकुलर एंट्रीगल आएगा ई रेस्टू दावर एक्स इंटू वन अपंट थ्री साइन एक्स जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई अब सी एफ हमारा था ई रेस्टू दावर एक्स सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन टू एक्स प्लस पर्टिकुलर एंट्रीगल हमारा ई रेस्ट टू दावर एक्स अपॉइंट थ्री साइन एक्स दिस इज द आंसर नाउ थर्ड एग्जाम्पल इज डी टू डी टू द पावर थ्री माइनस सेवन डी माइनस सिक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स द ऑगलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज एम क्यू माइनस सेवन एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो अब ये जो इक्वेशन है वो एम की थ्री डिग्री की इक्वेशन है यानी हमारे पास एम के थ्री रूट्स आएंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें कॉमन रूट सोल्व करना पड़ेगा यानी एम की जिस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए यानी ज़ीरो हो जाए इसकी वैल्यू वो हमें लेनी है तो एम इज इक्वल टू माइनस वन पर ये पूरी जीरो हो रही है तो एम प्लस वन कॉमन फैक्टर हो गया अब आप चाहें तो एम प्लस वन से इस इक्वेशन को डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं और आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं तो ये एम प्लस वन प्रैकेट में एम स्क्वायर डिवाइड करने से बनेगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके फैक्टर यदि हम बनाए तो माइनस के लिए माइनस थ्री प्लस टू तो एम माइनस थ्री और एम प्लस टू ये तीन रूट आ जाएंगे तीन फैक्टर बनेंगे तो तीन फैक्टर से हमारे एम के थ्री रूट्स क्या आ जाएंगे माइनस वन प्लस थ्री माइनस टू ठीक है अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा तीनों रूट्स डिफरेंट हैं और रियल भी हैं तो सी वन ई रेस्ट टू दावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई रेस्ट टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस सी थ्री ई रेस्ट टू द पावर थ्री एक्स अब पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना है तो वन अपॉन डी प्लस वन डी माइनस थ्री डी प्लस टू डी डी के फंक्शन को हमने फैक्टर की टर्म में लिख दिया ई रेस्ट टू द पावर टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स अब ई रेस्ट टू पावर टू एक्स को हम पहले लिखेंगे और डी को डी प्लस टू से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि एक्स का कॉफिशेंट टू है तो ये डी प्लस टू प्लस वन डी प्लस टू माइनस थ्री डी प्लस टू प्लस टू हो जाएगा इन टू वन प्लस एक्स अब ये हो जाएगा डी प्लस थ्री ये हो जाएगा डी माइनस वन और डी प्लस फोर इंटू वन प्लस एक्स अब हमें क्या करना है कि क्योंकि यहाँ पे ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन रही है इसको हम पी आई करने के लिए हम इसके लिए कैसे करते हैं जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें बाइनोमियल में कन्वर्ट करते हैं न्यूमरेटर में ले जा ले जाते हैं उनको तो हमें वन प्लस डी के फॉर्म में बनाने के लिए इसमें से थ्री कॉमन लेना पड़ेगा और यहाँ से फोर कॉमन लेना पड़ेगा और इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा यानी माइनस का ट्वेल्व डिनोमिनेटर में बाहर हमने ले लिया ई रेस्टू दी पावर टू एक्स एज इट इज रहेगा ये वन प्लस डी हो जाएगा होल पावर माइनस वन वन प्लस डी बाई थ्री होल पावर माइनस वन ये आपका वन माइनस डी में कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में जाके माइनस वन पावर में आ जाएगा और ये वन प्लस डी बाई फोर टू दी होल पावर माइनस वन न्यूमरेटर में आ जाएगा इन टू वन प्लस एक्स अब हमें क्या करना है इन तीनों टर्म्स को बाइनोमियल uh, एक्सपेंडेशन से इसको एक्सपेंड करना है तो बाइनोमियल थ्योरम से मैंने फॉर्मूला पहले वाले वीडियो में भी बताया है वन प्लस एक्स टू दी होल पावर एन क्या होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन तो वही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा वन प्लस डी प्लस डी स्क्वायर तो हमें केवल वन पावर तक ही कंसीडर करना है बिकॉज हमारे पास एक्स की वन पावर तक ही टर्म है तो स्क्वायर वाले टर्म को भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे सेकेंड टर्म में वन माइनस डी बाई फोर और थर्ड टर्म में वन माइनस डी बाई थ्री बनेगा इंटू वन प्लस एक्स अब हम इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे ओके okay? तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास वन प्लस फाइव बाई ट्वेल्व डी और डी की जो हायर टर्म्स हैं उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया इंटू वन प्लस एक्स अब ये वन प्लस एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ वन से मल्टीप्लाई होगा वन प्लस एक्स आएगा प्लस फाइव बाई ट्वेल्व डी का मतलब डिफ्रेंशिएशन अब वन प्लस एक्स का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा बिकॉज कॉन्स्टेंट है और एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाएगा तो आंसर हमारे पास फाइव बाई ट्वेल्व आएगा ना माइनस वन बाई ट्वेल्व ई रेज टू दावर टू एक्स एक्स प्लस वन प्लस फाइव बाई ट्वेल्व को हमने सॉल्व किया तो सेवनटीन बाई ट्वेल्व आ गया अब ट्वेल्व इसमें एलसीएम ले लिया तो माइनस वन वन फोर्टी फोर E raised to the power 2x 12x plus 17. So therefore the general solution is y is equal to complementary function plus particular integral. Uh, y is equal to complementary function amarayata c1 e raised to the power minus x plus c2 e raised to the power minus 2x plus c3 e raised to the power 3x minus particular integral amnalika 1 upon 144 e raised to the power 2x into 12x एक्स प्लस सेवनटीन दिस इज द आंसर थैंक यू बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये वाला मेथड और यदि कोई आपका डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए